करेंगे पहले स्टिचिंग, फिर करेंगे इसको सिलाई, आखिर हो गई कटिंग, फिर इसको करेंगे वापस स्विंग, और इसके बाद करेंगे उसको लुकिंग पेंट पजामा। तो देखिए हमारे पेंट पजामा तैयार, मतलब लुकिंग वाइज। इसके बाद होगी और डिटेलिंग, ऐसे थोड़ी ना छोड़ेंगे उसे। इसके बाद लगाएंगे लेस, लेस के बाद 4 प्लेटें और इसके बाद कटवार। तो इसके बाद हमारी हो गई डिज़ाइन तैयार, क्योंकि एक चीज़ तो हम भूल ही गए कि हमने सेंटर लेस भी लगाई थी। और याद आ गया, सेंटर लेस भी लगेगी, सेंटर लेस के साथ मस्ती भी होगी थोड़ी। इसके बाद हमारी डिज़ाइन तैयार, इतनी जल्दी भी किया है। पहले तो जरा रिवर्स तो करें। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक माय SSQ चैनल। तो हम क्या करेंगे, हमने शलवार की कटिंग कर ली थी, अभी से हमें पैंट पजामे थ्रू बनाना है। तो ये नया इन्वेंटर है जो मैं आपको बहुत तरीके से बता रही हूँ। तो सबसे पहले आपने जो पजामे की, मतलब शलवार की जो सीधी साइड होगी, उसे आपने बीच से दो हाफ कर देना है, मतलब हाफ कर देना है। वो फुल तो होगी, उसको हाफ कर देना है। इसके बाद जो आपने कर्व वाला हिस्सा, इसको छोड़ के आपने जो सीधी साइड से कटिंग करी है, उसको आपने सीधी साइड के थ्रू ही सीना है, उल्टी साइड सीना है, ठीक है। और उसके बाद जो कपड़ा बचेगा, उसे मजीद फोल्ड कर देना है, जिससे ये लुक होएगा, पैंट पजामे का लुक आ जाएगा आपका। तो शलवार में आप पैंट पजामा बना सकते हैं सिंपली थ्रू, बस आपने जब उसकी फिटिंग की सिलाई लगानी है तो थोड़ी सी फिटिंग की सिलाई और ज़्यादा लगा लीजिएगा शलवार की मुनासिबत से, ताकि पैंट पजामे का लुक दे।
सेंटर लिस्ट लगाने के बाद हम लगाएंगे कटवार। तो अगर आपको कटवार की वीडियो चाहिए इंशाल्लाह कल अपलोड कर दूंगी। हम सॉरी कि मैं आपको आज वो दिन दे सकती क्योंकि वो मेरे साइल में और फिर इसको लोड करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो मैं आपको मेरे पास स्पेस भी नहीं होती, तो मैं आपको कल वो कटवार की आपको ईजिएस्ट वे जिसे मैंने बनाया मैं आपको कल अपलोड। हम कटवार को उल्टी साइड रखेंगे, ठीक है, सेंटर लेस के ऊपर उल्टी साइड रखेंगे। इससे क्या होगा, ये जल्दी से स्विंग भी हो जाएंगी और कपड़े और प्लेट्स बीच में। और ये देखिए हमारा डिज़ाइन से डिज़ाइन तैयार है, पैंट पजामे के साथ और पजामे का लुक भी आ रहा है और डिज़ाइन से डिज़ाइन कटवार के साथ जिसमें पेटे भी है और लेस भी है। तो आपको कैसा लगा?